हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और फ्रेश कमाल के ब्लॉग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा था, मैं आया था अपने गांव, अपना घर में। मैं आया था बिहार में। और दोस्तों, आज के दिन मैं वापस जा रहा हूं अपने घर गुवाहाटी। तो आज जिस ट्रेन से हम लोग जर्नी करने वाले हैं, उस ट्रेन का नाम है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी, ट्रेन नंबर 20354। लेकिन ड्यू टू कोविड इसका नाम और नंबर दोनों में चेंजेस किया गया है। अभी इस ट्रेन का नाम हो गया है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी कोविड स्पेशल। ये ट्रेन जब डिब्रूगढ़ से खुलती है तो इसका ट्रेन नंबर होता है 02503, लेकिन जब ये ट्रेन दिल्ली से खुलती है तो इसका ट्रेन नंबर होता है 02504 एंड इट रन्स 5 days इन अ वीक वाया मुजफ्फरपुर। इसके अलावा दो और राजधानी एक्सप्रेस है विच रन्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ टाउन। तो ये ट्रेन कवर करती है टोटल डिस्टेंस ऑफ 2453 किलोमीटर विद द एवरेज स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। और इसका मैक्स जो परमिसेबल स्पीड है वो है 130 किलोमीटर पर आवर। और इसका टोटल होल्ड्स है 22। और ये ट्रेन लेती है 42 hours 5 minutes का टाइम आपको न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़ स्टेशन तक पहुँचाने के लिए। और ये ट्रेन ट्रेवल करती है थ्रू 6 states, दैट इज दिल्ली, यूपी, बिहार, आसाम, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये ट्रेन दिल्ली से खुलती है सुबह के 11:25 पे और आप पहुंच जाएंगे डिब्रूगढ़ तीसरे दिन सुबह के 5:30 बजे। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उदेश व्लॉग्स। तो चला वीडियो शुरू करी। दोस्तों, तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप लोग को अपना होटल का एक छोटा सा रूम टूर दे दूं। ये हमारा बेड है, इसके साथ साथ पानी का बोतल भी मिले हैं हमको, लेकिन ये अधमुआ कंडीशन में है। पैक ससुरा ऐसा बोतल दे दिया हमको, 2 बोतल पानी का हमें मिला है। ये मेन्यू है, यहाँ से देख के आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे सामने एक शीशा है और यहाँ से अपना रूम का लाइट्स और फैंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा सोफा है, इसके सामने आप अपना लैपटॉप रख के अपना जरूरी काम कर सकते हैं। ये है इस रूम का टेलीफोन, लेकिन ये टेलीफोन किसी काम का नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है। इसका कंप्लेंट मैं करके जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और ये बाबा आजम का जमाना का टीवी, उसके साथ साथ सेटअप बॉक्स। और चलिए हम चलते हैं यहाँ के बाथरूम में। तो ये है इसका बाथरूम, ये इंडियन टॉयलेट है, ये है इसका बेसिन। तो मैं ठहरा था होटल स्वागता में और ये लोकेटेड है मुजफ्फरपुर बस स्टैंड के पास, और यहाँ से रेलवे स्टेशन काफ़ी पास है, इसलिए मैं यहाँ पे ठहरा था। तो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और चलिए यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारा ट्रेन है सुबह के 4 बजे। सो लेट्स गो। दोस्तों, तो आज मैं खड़ा हूँ मुजफ्फरपुर स्टेशन में, विच इज़ माई होम टाउन। स्टेशन कोड MFP। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है 6 एज ऑफ नाउ, लेकिन 2 more प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है और थोड़ा दिन बाद में उसे खोल दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन की बात करें तो वो है 213। टोटल नंबर ऑफ ऑरिजिनेटिंग ट्रेन की बात करें तो वो है 42 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग ट्रेन की बात करें तो वो है 42 एंड इट इज़ रेफर्ड एज वन ऑफ द A1 कैटेगरी स्टेशन ऑफ सोनपुर डिवीजन। मुजफ्फरपुर इज फेमस फॉर इस लीची। तो अगर आप लोग मुजफ्फरपुर आते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टेस्ट द लीची, विच इज द मोस्ट फेमस फ्रूट यू कैन गेट ओवर हियर। हमारा ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम है मुजफ्फरपुर जंक्शन में वो है सुबह के 4:10 पे, और अभी मैंने चेक किया था हमारा ट्रेन लगभग 25 मिनट डिले होकर चल रही है, लेकिन ये राजधानी है, मुझे लगता है कि इतना ये आराम से मेकअप कर लेगी। तो हमारा ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन से खुल चुकी है और दरअसल मेरा सीट 2 जगह पे है, बाकी जितने भी सीट है वो है B3 में और एक सीट सिर्फ मेरा अलग है वो है B3 में। तो मेरा फैमिली के साथ मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर सामान सेट करवा रहा था। तो अभी मैं आया हूँ अपने कोच में, लेकिन देखिए आप, कोच में सब लोग सोए हुए हैं और लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं है।
दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपना फर्स्ट हॉल्ट विच इज समस्तीपुर जंक्शन, स्टेशन कोड SPJ। समस्तीपुर पड़ता है बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है 7, टोटल नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन है 275, टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग ट्रेन है 30 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग ट्रेन है 30। और यहाँ पे इस ट्रेन का ऑफिशियल टाइम था 5:10, लेकिन हम लोग 2-3 मिनट डिले पहुंचे हैं समस्तीपुर जंक्शन में। और यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। ये ट्रेन इसके बाद दूसरा रूट से जाएगी, तो ये ट्रेन बरौनी होके नहीं जाएगी। दरअसल जितने भी ट्रेन सब बरौनी होके जाते हैं, लेकिन ये ट्रेन जाएगी रोसेड़ा होके। और इसके बाद 210 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है और हम लोग सीधा पहुंचेंगे कटिहार सुबह के 8 बजे। दोस्तों तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लोग जाएंगे दूसरे रूट पे। जो रूट आप देख रहे हैं वहाँ से सारे ट्रेन बरौनी चले जाती है और हम लोग अभी दूसरे रूट पे फिलहाल चल रहे हैं। और हम लोग रोसेड़ा होके कटिहार जंक्शन पहुँचेंगे सुबह के 8:10 पे। दोस्तों तो मैंने कॉफी ऑर्डर किया है दो ट्रेन को, तो अभी सुबह का समय हो रहा है और गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे हम लोग। दरअसल हम लोग सुबह के 2 बजे से जगे हुए हैं, तो अभी थोड़ा कॉफी पी लेते हैं, थोड़ा नींद वींद खुल जाएगा। दोस्तों तो अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7:30 और अभी मुझे लगा है भूख, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मैंने पेंट्री कार से ब्रेकफास्ट लिया है और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है वेज कटलेट 2 और ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट है मेरा भाई के लिए एज यूजुअल, और वेज कटलेट है हमारे जैसे शाकाहारी लोगों के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है कटिहार जंक्शन। स्टेशन कोड KIR, कटिहार स्टेशन पड़ता है बिहार के कटिहार जिला में। और यहां पे इस ट्रेन का वैसे तो 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहां पे आ पहुंचे हैं आधा घंटा बिफोर, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का अभी 40 मिनट्स का हॉल्ट मिलने वाला है यहाँ पे। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 9,
नंबर ऑफ हाल्टिंग ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाल्टिंग ट्रेन है 166, नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग ट्रेन है 46 एंड नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग ट्रेन है 45। एंड बिकॉज ये जंक्शन है तो यहाँ से बहुत सारे लाइन निकलती है, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन्स के बारे में मैं आपको बता दूं। बरौनी कटिहार लाइन, सहरसा पूर्णिया सेक्शन, कटिहार सिलीगुड़ी लाइन और बहुत सारे लाइन्स यहाँ से निकलती है। और अगर आप कटिहार में आते हैं तो एक चीज़ लेना मत भूलिएगा, यहाँ का पूरी सब्जी। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पूरी सब्जी यहाँ का, और मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पर पूरी सब्जी टेस्ट ज़रूर करता हूँ। वैसे मैंने खाना ऑर्डर दिया है लेकिन मेरा मन कर रहा है कि पूरी सब्जी एक ले लूँ। लेकिन एक और चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप कटिहार स्टेशन आते हैं तो थोड़ा चोर का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस स्टेशन में चोरी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सामान कब गायब हो जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। भैया पूरी सब्जी होगा? पूरी सब्जी कैसे दिए? 30 रुपये दीजिए तो एक जगह। वैसे मैंने IRCTC से जो खाना ऑर्डर किया था अपने मम्मी पापा अपने भाइयों के लिए, वो आ चुका होगा। और ये मैंने एक्स्ट्रा लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ खाना बहुत पसंद है। दोस्तों तो न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं फटाफट ट्राई कर रहा हूँ कि उसे भी अपलोड कर दूँ। दुर्गा पूजा का पहले ही अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, और अभी एडिटिंग का काम भी चल रहा है। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और दोस्तों अभी तक ये वीडियो कैसा लगा है आपको कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्ण टू एवरीवन। This is Udesh Das signing off. Bye-bye.